दोनों का बहुत शुक्रिया, मनोज जी और आकाश सक्सेना विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद की बात करते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। आज पीएम मोदी यूनानी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे और उद्घाटन करेंगे। इस खास मौके पर सांसद बीके सिंह समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद की सीबीआई एकेडमी के पास यूनानी अस्पताल और रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल एवं चिकित्सा संस्थान बनकर तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीसी के जरिए इसका लोकार्पण करने वाले हैं। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, कमला नेहरू नगर में बना हुआ ये अस्पताल है और यहीं पर शैक्षणिक स्थान भी चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो यहाँ पढ़ने बच्चे आएंगे उनके लिए बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। आपको बताना चाहूंगा, कुल तकरीबन इसमें 14 विभाग होंगे जिनमें की विद्यार्थी प्रशासनात्मक के साथ साथ डायरेक्ट भी कर सकेंगे। एक कक्षा में कुल 98 विद्यार्थी यहां पर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त भी 22 विद्यार्थी अनुसंधान कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संस्थान के अंदर 445 कारों की पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि आज इसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इसका लोकार्पण करने के बाद ये लोगों के लिए शुरू भी हो जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तकरीबन दोपहर 2 बजे इसका लोकार्पण खुद नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा और गाजियाबाद के लोगों को साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात आज इसके रूप में मिलने वाली है और इसका तमाम फायदा आम लोगों का भी मिलने वाला है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। सीएम योगी के वाराणसी दौरे की बात करते हैं। यहाँ पर सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में भी मुख्यमंत्री जाएंगे, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे।